हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन का सालन, चिकन ग्रेवी, जो हैदराबादी शादियों की बहुत फेमस डिश है। फर्स्ट हमें चिकन को अच्छे से धोना है। धोकर हम ऐसे लगन या तो फिर एक भगोने में भी बना सकते हैं। ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके अंदर हमने यूज़ किया है 12 केजीज ऑफ चिकन। बाय द वे, ये पकवान जो कर रही है वो मेरी मम्मा है। इनके हाथ का ये चिकन का सालन बहुत टेस्टी रहता है। चिकन साहब पधारने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अपने अंदाजे के हिसाब से डालिए, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मम्मा यहाँ पर अपने अंदाजे के हिसाब से डाल रही हैं क्योंकि ये बड़ा पकवान है, इसमें मम्मा मोटा नमक भी यूज़ कर रही हैं। चलें जी, इसमें अदरक लहसुन और नमक के बाद आ जाते हैं हल्दी और मिर्च, लाल मिर्च, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। इसके बाद इसमें ऐड होगा दही। इस वीडियो में 12 किलो चिकन के साथ 3 किलो दही यूज़ हुआ है। दही डालकर इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाले का पाउडर और लाल फूड कलर का पाउडर। ऐड करके इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे विनीगर, रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस, जिससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर हम यूज़ करें चिकन मसाला भी, और तली हुई प्याज का तेल डालना है इसके अंदर, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर हमने तली हुई प्याज पहले ही तल के रख लिया था, शूट करने का टाइम नहीं था क्योंकि उस दिन हमारे पास दावत थी, मेरे बेटे का बिस्मिल्लाह था, तो इसीलिए हम लोग शूट नहीं कर ज़्यादा जल्दी शूट नहीं करवाए। ये रेसिपी भी मामा जल्दी जल्दी बना रही थी। तो वन बाई वन सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जा रहे हैं। रेड चिली सॉस लिया और थोड़ा बहुत मम्मा नमक बुरबुरा रही हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जा रहा है चिकन मसाला। अब इसमें हम ऐड करेंगे तली हुई प्याज। यहाँ पर पहले ही हमने प्याज तल कर रख लिया था, 1 किलो के करीब तली हुई प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर। फिर इसमें हम ऐड करेंगे विनीगर और थोड़ा बहुत देसी घी, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर और अच्छे से आएगा। फिर हरा धनिया, कोथमीर, पुदीना, हरे मिर्च जो कहते हैं हमारी हैदराबादी लैंग्वेज में, उसे अच्छे से बारीक काट कर इसमें ऐड करेंगे और मिक्स 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 का तो चलते ही रहेगा। फुल हाई फ्लेम पे इसे मिक्स 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 कर लेते हुए, ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हुए हमें इसे अच्छे से पकाना है। और फाइनली शादियों वाला चिकन घर पर ही रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।